शाला का हो निर्माण। नगर परिषद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे पाजा ओए ओए पाजा परिषद हाउस में आओ और पीछे नगर परिषद हाउस में। अरे पीछे थोड़ो ओ संग थोड़ो पीछे जा यार। अरे पाजा तू आजा एक भाई। अरे पाजा जा थोड़ा पीछे ले बच्चे को। नगर परिषद मुर्दाबाद चेयरमैन मुर्दाबाद नगर परिषद मुर्दाबाद न्याय दो रे न्याय दो 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 नगर परिषद मुर्दाबाद भूनी सभापति मुर्दाबाद भूनी सभापति मुर्दाबाद भूनी सभापति मुर्दाबाद न्याय दो रे न्याय दो 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 न्याय दो रे न्याय दो। बोलो नंदी बाबा की जय। एक दिन एक भाई सामने देखियो आज भूमि शाला निर्माण की मांग को लेकर आज इनको 51 दिन हो गए बैठे हैं। आप आए हो क्या कहना है आपको? देखिए गौशाला की जो मांग की जा रही है ये जायज है। मुझे याद है मैं लगभग साल भर पहले भी आया था इस मामले में समर्थन में और उस समय भी आश्वासन दिया गया था कि काम होगा, लेकिन लगातार संघर्ष करने के बाद और ताज्जुब की बात है कि आज 50 दिन हो गए हैं लगभग धरने को, जबकि राज्य सरकार गौ सेवा के नाम पर इतना टैक्स लेती है, सरकार ने टैक्स लगा रखा है, लेकिन फिर भी मैं अभी संभागीय आयुक्त से मिलूंगा और जानना चाहूंगा कि क्या कारण है, कौन सी ऐसा राजनीतिक प्रभाव है जो सरकार एक राजनीतिक या जनप्रतिनिधि जिन्होंने इस ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, जब आपने नींव पूजन कर दिया तो फिर आपको बाउंड्री वाल बनाने में क्या दिक्कत आ रही है? मैं अभी संभागीय आयुक्त से मिलूँगा और अगर नहीं हिम्मत करते हैं तो अब आम आदमी पार्टी विशाल आंदोलन करेगी। पूरे राजस्थान से कार्यकर्ता आएंगे और इनके संभागीय आयुक्त और जो हमारे विधायक डोगरा जी हैं और पूरी तरह से आंदोलन होगा, क्योंकि गाय हमारी माता है और गाय को इस देश में सबसे ज़्यादा पूजनीय माना गया है, और जब गाय के नाम पर सरकार टैक्स ले सकती है तो गाय की गौशाला की बाउंड्री वाल बनाने में और जिस भी आदमी ने चाहे मधु नुवाल जी हो चाहे कोई भी हो जिसने अतिक्रमण कर रखा है जिसने कब्जा कर रखा है गलत तरीके से उनका अतिक्रमण हटाया जाए और प्रशासन से मैं मांग करूँगा तुरंत इसमें न्यू का निर्माण करके जो भी इसका बाउंड्री वाल का काम किया जाए जिससे हमारी गायों को वहाँ पर सुरक्षा मिल सके और गौशाला का निर्माण पूरी तरह से हो सके। वर्तमान में बारिश की वजह से पशु चिकित्सालय में जो 250 गौओं से एडमिट है उनके बैठने की जगह नहीं है, तुरंत उनका समाधान होना चाहिए, उसके लिए भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्या कहना है आपका? देखिए आम आदमी पार्टी का निर्माण ही व्यवस्था परिवर्तन के लिए हुआ है। 77 साल हो गए हैं इस देश को आज़ादी को, और राजस्थान की बात करें तो 50 साल कांग्रेस ने राज किया है, 19 साल भाजपा ने राज किया है, दोनों ने मिल बांट कर राजस्थान को लूटा है और दोनों भाई बहन की सरकार चला रहे हैं, गठबंधन की सरकार चला है, आम जनता की कहीं भी सुनी नहीं जा रही है, कोई भी समस्या हो पूरे राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है और भ्रष्टाचार का ही यह उदाहरण है कि एक सभापति मधु नुवाल जी जिन्होंने ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, आप देखिए उसकी ज़मीन प्रशासन नहीं छुटा पा रहा है, तो किस तरह से पूरे राजस्थान के अंदर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, कानून व्यवस्था राजस्थान में जीरो है और हम लोग इसी मंथन को लेके हैं। चिकित्सालयों की जो आपने बात कही है बहुत ही
दयनीय स्थिति है राजस्थान में चिकित्सालयों की। पशु चिकित्सालय के नाम पर जो भी फंडिंग आता है, जो भी सरकार आम जनता से टैक्स लेती है, लेकिन उस टैक्स के पैसे का सही ढंग से सुनियोजित ढंग से इस्तेमाल नहीं होता है। उसका सबसे बड़ा कारण राजस्थान में फैला भ्रष्टाचार है। आम आदमी पार्टी उसी भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए इस बार पूरी ताकत के साथ 200 विधानसभाओं में चुनाव लड़ने जा रही है। और मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं अभी संभागीय आयुक्त से मिलूँगा, अगर 8 दिन के अंदर इस बाउंड्री वाल का निर्माण नहीं चालू किया गया तो पूरे राजस्थान से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आकर यहीं बूंदी में चलेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। आज 51 दिन हो गए धरने को। पूर्व में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता 2 बार आ चुके हैं, लेकिन धरातल पर अभी तक कोई प्रभाव नहीं दिखा पाए। नहीं, ये आप कह रहे हैं, आज आम आदमी की ही ताकत है कि नरेंद्र मोदी जी भी घबरा रहे हैं। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, जो हमारी पार्टी को संसद में कहते हैं सुपारी पार्टी है, मैं कहना चाहूँगा अमित शाह ने कह तो दिया सुपारी पार्टी है, लेकिन सुपारी वो चीज़ होती है जो गले में फंस जाती है, ना तो सांस ऊपर रहती है ना सांस नीचे रहती है। एक आम आदमी पार्टी ही हमारा सवाल सिर्फ नंदीशाला और गौशाला के ऊपर, ना कि अपन दूसरी राजनीति के जाए। नंदीशाला के लिए मैंने हमने सवाल किया है कि पूर्व में भी 2 बार आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर आकर अपना समर्थन दिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उसके बाद क्या किया? देखिए, हम लोग बराबर प्रयास कर रहे हैं, हमारी आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, मांग कर रहे हैं, और आज 50 दिन से जो धरना चल रहा है बराबर आम आदमी पार्टी उसका समर्थन कर रही है। आज मुझे पता लगा, मैं चल के आया, मैं 13 दिन से जयपुर में था, मैं कल जयपुर आया और आज मैं यहाँ पर आ गया ना आपके बीच में। हम लोग पूरे आयुक्त से मिलकर, बिल्कुल, हम अभी संभागीय आयुक्त से मिल रहे हैं और मैं आपको वादा करता हूँ, अगर 8 दिन के अंदर इस बाउंड्री वाल का काम चालू नहीं हुआ तो पूरे राजस्थान के कार्यकर्ता आगे बूंदी पे अनशन करेंगे और इनके छाती पे बैठेंगे। समस्या है गौवंश की दयनीय जो हालत हो रही है, 51 दिनों से धरना जारी है। इन 51 दिनों में 15 से 20 गौवंश की मौत हुई है, ट्रेन से कटकर 10 दोलाना में और 15 लगभग 5 लगभग। इसके अलावा 2 लोगों की मृत्यु हुई है गौवंश के टकराव होने से। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी नदारद है, मुद्दे को नहीं उठा रही, क्या कारण है? नहीं, देखिए, आप जो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी मुद्दों को क्यों नहीं उठा रही है, आज की तारीख में पूरे राजस्थान के अंदर हम लोग बराबर प्रयास कर रहे हैं। आज मैं, जब से मुझे पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, मैं अपना परिवार छोड़कर लगातार राजस्थान की जनता के हितों के लिए पूरे राजस्थान का भ्रमण कर रहा हूँ। हर जगह समस्याएँ हैं और मैं पूछना चाहता हूँ, 77 साल हो गए इन दोनों पार्टियों को, क्यों समस्याएँ हैं? आज आप गोवंश के नाम पर आपने टैक्स लगा रखा है, राजस्थान सरकार जवाब देना, टैक्स आप लगा रहे हो और जनता के हित के काम आप नहीं कर रहे हो, फिर भी आप बात ऐसी करते हैं। तो मैं अभी संभागीय आयुक्त से मिलूंगा और मैं जानना चाहूंगा और मैं उनसे कहूंगा कि अगर उन्होंने 8 दिन के अंदर इसका निर्माण कार्य चालू नहीं किया तो आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ बूंदी शहर के अंदर आंदोलन करेगी। प्रमुख मांग है कि जो पशु चिकित्सालय में 250 गोवंश है उनको तुरंत शिफ्ट किया जाए। नंदीशाला निर्माण तो शुरू हो जाएगा, उसमें टाइम लगेगा बनने में 6 महीने का, लेकिन वर्तमान में जो 250 गोवंश बीमार ऐसा है विकलांग, उनके लिए व्यवस्था तुरंत प्रभाव से किया जाए, उसके लिए क्या प्रयास रहेगा? नहीं, देखिए, अस्पताल के लिए तो मैंने बोला ना कि सरकार जो टैक्स लेती है सरकार का काम होता है उसको सही ढंग से सुचारू रूप में करना। गोवंशों की मांग है उस जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किए, हम उसके लिए संभागीय आयुक्त से बात करेंगे और उसका भी हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। उनको जहाँ भी शिफ्ट किया जाता है हम कहेंगे सब उनकी स्थिति दयनीय है, उनको जहाँ तत्काल शिफ्ट किया जाए उनको शिफ्ट किया जाना, ये हम संभागीय आयुक्त से मांग करेंगे। क्या आगामी विधानसभा चुनाव में राजस्थान की जो जनता है कांग्रेस बीजेपी को सबक सिखाएगी? देखिए, ये जनता जनार्दन है, हमारा काम है प्रयास करना। आम आदमी पार्टी जनता के हितों में काम कर रही है, जनता चाहेगी, अगर जनता मौका देगी तो जनता जनार्दन है, लोकतंत्र जनता का अधिकार है, हम अपना काम कर रहे हैं। सरकार बनती तो गायों के लिए क्या किस प्रकार से अच्छा निर्णय? देखिए, अगर राजस्थान की जनता आम आदमी पार्टी को मौका देती है तो मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि जिस तरह 50 दिन से हमारे साथी बैठे हुए हैं, इस तरह से एक आम आदमी को अपनी गौ माता के लिए बैठना नहीं पड़ेगा। आपका नाम और पता? नवीन पालीवाल, आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान। आज नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर आज 51 दिन हो गए आप भूख हड़ताल पर बैठे हो, क्या कहना है आपका? मेरा लेकिन ये जो कार्य जिसने रोक रखा है, जैसे सभापति नगर परिषद है तो उनके लिए मैं राय दे देता हूँ। मेरी उम्र होगी 49 साल और मैं अब तक कम से कम 500 से 700 आदमी को शमशान और कब्रिस्तान तक अपने कंधे पे मान सम्मान के साथ छोड़ गया हूँ। उसमें उस
तबके के लोग भी हैं जो करोड़पति भी गए, वो मध्यम परिवार के भी हैं, गरीब परिवार के भी। जब अर्थी को वहाँ पे देखा तो वो जो उन्होंने जमा पूंजी इकट्ठा कर रखी थी ना, वो भाई मैंने 1 करोड़ कमा लिया, कब्जा कर लिया, मैंने फलाना दिया। लेकिन जब वहीं उनकी जो स्थिति देखी तो उनके दोनों द्वार खाली थे और उन्हीं के घर परिवार वाले उनके कपड़े खोल के और ओनली 100 रुपये हाथ कुछ हुआ नहीं। उन्होंने जिंदगी भर ये लूटा, ये कचोटा, ये छीना, जब भी करी, लेकिन एंड में तो वो खाली याद गया है। जो मेरा कहने का मतलब है, जो भी लोगों ने नंदीशाला की जो जमीन है, गौशाला की जो भी ये जमीन है, जिसपे किसी भी प्रकार की उन्होंने गलत तरीके की नज़र डाल रखी, उनको हासिल होना चाहिए। और आज 2011 सबसे बड़ा दिन है और उन लोगों से आज जोड़ के निवेदन है कि आप गौशाला को इनके निर्माण में भागीदारी निभाए। और ये जो बेसारा जानवर है, अभी राजेश जी ने बताया कि 200 गायल नंदी और भी है जिनकी कोई छूट नहीं है, तो उससे भी थोड़ा जबर करके और इस कार्य को हर कोई, इसमें उनसे नीचे की कोई भावना नहीं हो सकता है, वो गलत है। मैं अभी तक कोई काम नहीं कर पाया, लेकिन अगर उनको सब दिख गया है तो इस कार्य को करवा के और ये नंदीशाला का निर्माण को शीघ्र चालू करें। अभी तो कम से कम काफ़ी आदमी, काफ़ी पार्टियाँ हैं और भी ये सब जुड़ रहे हैं। अब धीरे धीरे ये एक दिन इतना बड़ा कारवा बन जाएगा कि जो उन्होंने रानू की दादागिरी या किसी प्रकार का वो जमा रखा है ना, वो चलेगा नहीं। सरकारें आती है जाती, दूसरी आएगी वो करेगी, क्योंकि काम लीगल है। ये तो है ही नहीं कि भाई ये ज़बरदस्ती की मांग कर रखी हो नंदीशाला की, जिनका कि ये मांग रहे हैं ये नहीं देंगे, 2 साल 1.5 साल बाद दूसरी प्रशासन सरकार आएगी वो बना के देंगे। वो वक्त तो सभी है, ये भी हैं, लेकिन इनके दिमाग में अभी तक कतरा भरा हुआ है, इसलिए ये कार्रवाई नहीं कर रहे। नहीं तो दूसरे आएंगे, वो आते हैं फर्स्ट में यही काम करना है उनको, भाई ये नंदीशाला की ज़मीन को हैंड ओवर करानी है। और ये जो रोड पे बेसारा की तरह घूम रहे, इनकी कोई छूट मिलेगा ना, जो कम से कम इनको रोड ठिकाना मिल के और कम से कम आदमी के मन में जनाब जनाब का नाता है। आपका नाम बता दो, नाम बता दो। मेरा नाम सुनील शर्मा है, मैं सामाजिक कार्य में। 51 दिन हो गए नंदीशाला निर्माण की मांग को लेकर धरने पर बैठे हो, आप भी वो बताल हो, क्या कहना है आपका? मैं सबसे पहले गोपाल वैश्विक को धन्यवाद देना चाहता हूँ एवं इनकी टीम को कि निस्वार्थ भाव से ये गो सेवा कर रहे हैं। जो डॉक्टर इसकी जो है तनख्वाह पा रहे हैं, कंपाउंडर ले रहे हैं, सब तनख्वाह पा रहे हैं, लेकिन इनको कोई मतलब पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है, फिर भी निस्वार्थ भाव से गो सेवा कर रहे हैं। हर जगह जहाँ जहाँ का बुला पा रहा है वहाँ जाते हैं और घायल गौ माता को लाते हैं, बीमार गौ माता को लाते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। लेकिन यहाँ का जिला प्रशासन, नगर परिषद का आयुक्त और चेयरमैन बिल्कुल अंधे बने हुए हैं, तटराज की तरह। इनको ये नहीं दिखाई देता है कि यहाँ गौशाला की जो गायें हैं जो बाहर से आई हैं, उनके लिए रखने की रख रखाव की कोई व्यवस्था नहीं है, न वो चारा खा सकती है, न पानी की जो है बरसात से बच पाती है, और न उनकी मतलब अस्पताल की जो है सुविधा मिलना चाहिए वो मिल पाती है। तो मैं तो चेयरमैन से ये कहूँगा कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे और आप इस लायक बने हो तो आपको गौशाला की गायों को जो दुर्घटनाग्रस्त है, बीमार गायें हैं, उनको सबसे पहले व्यवस्थित करके अपने स्थान पर पहुँचाना चाहिए। जन्म जन्म का नाता है। गाय हमारी माता। नाम बता दो, नाम बता दो। मेरा नाम लक्ष्मी नारायण सरंगी, रिटायर्ड कानूनगो और जिलाध्यक्ष।